अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे जीआईटी पैथोलॉजी में इस्कीमिक बाउल डिजीज़ की। इस्कीमिक बाउल डिजीज़ में मैंने आपको इसका मेन बता दिया था कि जाहिर सी बात है कि इट इज़ इस्कीमिया ऑफ द स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिन या उसका कोई भी पार्ट। और इसमें हमारे पास तीन मेन टाइप्स थी, म्यूकोजल, म्यूरल एंड ट्रांसम्यूरल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। फिर हमने कॉजेज कुछ पढ़ी थी और फिर हमने पैथोजेनेसिस स्टार्ट की थी। पैथोजेनेसिस मैंने आपको ये बात भी मोटी मोटी बता दी थी कि दो मेन बातें होती हैं। एक तो जब इस्कीमिया होगा उस वक्त जो इनिशियल इंजरी होती है, जो उसी वक्त इंजरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल हाइपोक्सिस इंजरी। और वो इतना डैमेज कॉज नहीं करती क्योंकि थोड़ा बहुत गट को आदत होती है कि मतलब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आप एक तो हार्ट है या ब्रेन है, ये तो सेकंड्स का इस्कीमिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ ऐसे ऑर्गन है जहाँ पर दे आर मेड लाइक दिस बाय नेचर के थोड़ा बहुत इस्कीमिया वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल हाइपोक्सिक इंजरी यानी कि थोड़ी देर का जब इस्कीमिया होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी गट के किसी पार्ट में, सॉरी बावल के किसी पार्ट में, तो जाहिर है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, न्यूट्रेंट्स नहीं पहुँचेंगे, तो वो जो उससे इंजरी होती है वो इतनी सवेयर नहीं होती, वो ट्रांजियंट सा टाइम होता है, वो बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है एकदम से जब ये देखा जाता है कि यार इस जगह को सप्लाई नहीं मिल रही, तो आपको पता है ना पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, तो जो कोलैटरल वेसल्स होती हैं, मतलब जो आसपास की सॉरी जो वेसल्स होती हैं वो कोलैटरल्स डिवेलप करती हैं। कोलैटरल्स क्या होते हैं कि उस एरिया को अगर पहले ही आर्टरी सप्लाई करी थी, सपोज कहते हैं कि दिस वॉज द एरिया, यहाँ पर ही आर्टरी सप्लाई करी थी जिसका हो गया इस्कीमिया, अब ये आर्टरी गायब होगी। अब जो यहाँ सप्लाई करी है और जो यहाँ सप्लाई करी, उसने देखा कि यार दरमियान वाले एरिया में तो सप्लाई नहीं मिल रही, एकदम से कोलैटरल डेवलप होना शुरू होगी इधर से भी और इधर से भी जो इसको सप्लाई करेगी। अब इन कोलैटरल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि जब एकदम से ये देखा जाता है ना कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, तो फौरी तौर पर बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट होता है जो नई कोलैटरल वेसल्स बनाते हैं। उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, फ्री रेडिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं विच आर डैमेजिंग। वो जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी इंजरी कर देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल इंजरी, जो ओरिजिनली इस्कीमिया इंजरी कर रहा था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इंजरी कर रहा था, उससे कई ज़्यादा ये रीपरफ्यूजन इंजरी होती है जो कि उन फ्री रेडिकल्स से, उन रिएक्टिव स्पीशीज से हो जाती है जो कि बाद में बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मेन एक बात आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास बात ही करते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं हमारी पूरी बावल में यानी स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन में जो कि सबसे ज़्यादा इस्कीमिया का होने का खतरा उन एरियाज में है, तो वो दो बातें। सबसे पहली चीज़ है वाटर शेड जोन। वाटर शेड जोन से मुराद ही होता है कि मैंने भी आपको जब ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक ब्लड वेसल एंड हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है। छोटी वेसल्स को छोड़ देते हैं, मेजर वेसल्स की बात करते हैं। ये है आपका सारा, ठीक है, ऐसे करके ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन और फिर रेक्टम। जो मैंने आपसे कहा था कि वी हैव सबसे पहले सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वो सप्लाई कर रही थी इस सारे एरिया को और यहाँ तक आके वो एंड हो जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का है। उसके बाद इधर से स्टार्ट होती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वो भी यहाँ तक सप्लाई करती है और यहाँ पर उसके साथ शामिल होती है पुडेंडल और इलेक नीचे की तरफ से। तो मेन आर्टरीज का जो जंक्शन है, एक ये वाली जगह है जिसको आप कहते हैं जंक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन, यानी स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी इसको कहते हैं। यहाँ पर सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज मिल रही हैं, मतलब एक शुरू होती है दूसरी ख़त्म होती है। और दूसरी जगह ये जो आपका सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम है, यहाँ पर आपकी इन्फीरियर मेसेंटेरिक ख़त्म होती है और आपकी नीचे की कुछ आर्टरीज शुरू होती हैं। तो जहाँ पर एक आर्टरी ख़त्म होती है और नई शुरू होती है, वो एरिया ख़ास तौर पे प्रोन होता है कि वहाँ पर इस्कीमिया हो जाए जब कोई भी ब्लड सप्लाई डिप्लीट होगी, क्योंकि उस एरिया में वैसे ही ब्लड सप्लाई कम है। उस एरिया को हम कहते हैं दैट इज़ वाटर शेड जोन, ठीक है। वाटर शेड जोन आर द एरियाज जहाँ पर एक वेसल एंड होती है, नई शुरू होती है, एंड दैट इज द एरिया प्रोन टू इस्कीमिया, सही है। और उसमें हमारे पास कौन से एरियाज है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर है, सिग्मोइड कॉलन है और थोड़ा बहुत रेक्टम का पार्ट आ सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये एरियाज इन्वॉल्व होंगे। फिर आपको पता है, एक मैं आपको बताती हूँ, बल्कि एक तस्वीर दिखाती हूँ कि आपको पैटर्न ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रोवेसल्स समझ आए। ओके गाइस, मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास पैटर्न ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रोवेसल्स जो है वो क्या था, तो उसकी कोई अच्छी डायग्राम तो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आपको पता है कि आपके सारी इंटेस्टिन में सारा जो अंदर से अगर हिस्टोलॉजिकली देखें तो एपिथीलियम में वी हैव इस तरह के क्रिप्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, सीधा सीधा मैं बनाती हूँ ना, मैं भी टेढ़ा बना रही हूँ, तो ठीक है। ऐसे आपके जिस तरह आपके उसमें थे ना स्टमक में, मैंने आपको बताया था कि क्रिप्ट्स होते हैं, उसी तरह इंटेस्टिन में भी क्रिप्ट्स होते हैं। सिर्फ स्टमक की जो ये जिसको हम कहते थे ना स्टमक के ग्लैंड्स हम कहते थे इसको, यही जो होते हैं ये बेसिकली आपके इंटेस्टिन के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड कोई भी वो एरिया होता है ना जहाँ सिक्रीट
इंजेक्शंस देते हैं, तो क्योंकि हमारे पास इसमें इंटेस्टिन में बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो ये ज़ाहिर है म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से इनको इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं। ये इसका म्यूकोजा होता है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टिन का, ये आपकी सारी हिस्टोलॉजी में आपने बातें पढ़ी होंगी। अच्छा, तो ये जो आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड होते हैं, जिस तरह स्टमक में हम कहते थे, इसी तरह इसको हम एक पूरे को क्रिप्ट कहते हैं। ये एक क्रिप्ट है, बेस ऑफ क्रिप्ट है, ये हेड ऑफ क्रिप्ट है, तो ये एक पूरी क्रिप्ट होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि जब इसमें छोटी छोटी वेसल्स आएंगी और सप्लाई करेंगी, आपको पता है कि ये हमारा सबसे पहले एपिथीलियम होता है और लेमिना प्रोप्रिया, ये होता है आपका म्यूकोजा, और इसके बाद आपके पास एक जो पूरा पोर्शन होता है लेमिना प्रोप्रिया का, वो होता है आपका सब म्यूकोजा, ठीक है। अच्छा, सब म्यूकोजा में यू नो वेरी वेल कि हमारे पास छोटी माइक्रो वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इधर वाले लेमिना प्रोप्रिया में भी छोटी वेसल्स होती हैं जिन्होंने आके आपके एपिथीलियम पूरे को सप्लाई करना है, ठीक है। अब उन ब्लड वेसल्स का सप्लाई का तरीका यूँ होता है कि वो स्टार्ट करती हैं बेस ऑफ क्रिप्ट से सप्लाई करना, मतलब यहाँ से, और वो इधर आके एंड हो जाती हैं, ठीक है। इधर से आएंगी सप्लाई करना और इधर आके एंड हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर से वो वेन बन जाती हैं, और वेन फिर नहीं बन के इस तरफ से आती है दूसरी तरफ से नीचे, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि हमारे पास ये एक साइड से आर्टरी होती है, दूसरी साइड से वेन, मैंने तो डबल बना दिया ना, ऐसे होगा कि इधर से आर्टरी आती है और जब टॉप पे पहुंचती है तो वो वेन बन के दूसरी तरफ से नीचे उतर जाती है। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो माइक्रोवेसल्स का जो सप्लाई का तरीका है, उस हिसाब से जो क्रिप्ट की बेस है यानी ये एरिया, ये तो अच्छा सप्लाइड है ब्लड से, लेकिन यहाँ टॉप पे पहुंच के जब आर्टरी की ब्लड सप्लाई बिल्कुल एंड में पहुंचती है और उसके बाद वेन ने बन जाना होता है, तो ये जो एरिया है, जब कभी भी इस्कीमिया होगा तो दिस एरिया इज मोस्ट प्रोन टू डिवेलप इस्कीमिक चेंजेस इन अर्ली स्टेजेस, बिकॉज यहाँ पर ब्लड सप्लाई आखिर तरीन पार्ट में पहुँचती है, लाइक सबसे लास्ट पार्ट में ब्लड सप्लाई पहुँचती है यहाँ टॉप पे। तो आपका ये जो पैटर्न ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रोवेसल्स है, ये आपको बहुत अच्छा इस बात पे जज करता है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल है वो हेयर पिन टर्न लेती है, हेयर पिन आपने देखी भी ना आगे से ऐसे लूप्ड होती है, तो जब ये हेयर पिन टर्न लेके वेन बनती है, इस जगह की जो एरिया है एपिथीलियम है, ये मोस्ट प्रोन होता है कि यहाँ पर आपका इस्कीमिया और इन्फ्रैक्शन पहले डिवेलप हो, और यहीं पर आपको सबसे पहले चेंजेस नज़र आते हैं किसी भी इस्कीमिया के, ठीक है। तो ये आपका एक जो वाटरशेड जोन है वो आपकी ज़रा मैटर करती है, दूसरा ये हेयर पिन टर्न मैटर करते हैं। अच्छा, अब कमिंग टूवर्ड्स द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम पहले बात करते हैं थोड़ी सी जनरल, लाइक आपकी जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, फिर माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में वैसे तो मैंने आपसे बताया आपको कि इट इज़ लाइक के आपका वाटरशेड जोन जो है वो ज़्यादा कॉमनली इफेक्टेड होता है, लेकिन एक्चुअली आपका बेशक वाटरशेड जोन ज़्यादा कॉमनली इफेक्टेड हो सकता है, लेकिन पूरे बावल का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाटरशेड जोन्स ही इन्वॉल्व होंगे। और जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो हमेशा सेगमेंटल या पैची इन नेचर होती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाए, हमेशा ऐसा होगा आपका इस्कीमिया में पैटर्न के एक पैच है, फिर थोड़ा ठीक पैच है, फिर पैच इन्वॉल्व है, इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। तो सेगमेंटल या पैची इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद जब हम देखते हैं, अगर आप बात करते हैं थोड़े से, मतलब माइल्ड तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन नॉर्मल टाइप ऑफ इस्कीमिया, एक तो होता है ना बहुत सवेयर इस्कीमिया, नॉर्मल इस्कीमिया में आपको सारा जो नज़र आएंगे ये क्रिप्ट्स और बेसिस, ये हेमरेजिक नज़र आएंगी, और हो सकता है अल्सरेटेड भी मिले। मतलब हेमरेजिक क्यों होंगी, एक तो हम कह रहे हैं इस्कीमिया और दूसरा हम कह रहे हैं हेमरेजिक है, इस्कीमिया की वजह से मैंने आपको बताया था कोलैटरल्स डेवलप होती हैं, और कोलैटरल्स जाहिर सी बात है उस तरह की कोलैटरल्स तो नहीं हो सकेंगी जो ओरिजिनल वेन्स होंगी, तो वहाँ पर हेमरेज होगा, ठीक है। और हेमरेज हो सकता है कि किसी वेसल में डिस्ट्रक्शन हुई हो, कोई और मसला जिसकी वजह से हेमरेज हुआ, लेकिन हेमरेज और अल्सरेशन अक्सर वहाँ मिलती है। और जो सवेयर किस्म का आपका होता है ना ये अपना इस्कीमिया, उसमें यू गेट इवन जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है इन गॉबलेट सेल्स से जो बच चुके होते हैं उस जगह पे, वो म्यूकस भी ब्लड स्टेन्ड होता है, और आपका वो म्यूकस जो आपके ल्यूमेन में पड़ा हुआ होगा वो ब्लड स्टेन्ड होगा, और सारी जगह पे कैगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस, यानी कि ऐसे अजीबोगरीब सा नेक्रोसिस का पैटर्न होता है। माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली वी गेट टू थिंग्स, जो आपका एक्यूट इन्फेक्शन होगा, जो आपका सडन इन्फेक्शन इस्कीमिया होगा, आई एम सॉरी इस्कीमिया कहना था, उसमें क्या होगा कि आपके जो टिप्स मिलते हैं आपको माइक्रोस्कोपी के लिए, आप देखें तो ये तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इस्कीमिक चेंजेस आ चुके हैं, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, बिल्कुल इन्फार्क्टेड से हैं, और ये जो बेस ऑफ क्रिप्ट होती है यहाँ पर बल्कि ब्लड सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हमें लग रही होती है, ब्लड सप्लाई बेसिकली ज़्यादा नहीं होती क्योंकि आपका एक एरिया में इस्कीमिया हो रहा है, तो ब्लड पहले इसी जगह पर आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर तो खैर वो जा नहीं सकता, तो इस जगह में आपको इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बहुत सारा मिलेगा, आपको न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स वगैरह ये सब बहुत मिलेंगे। एक्यूट इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी एक्यूट इस्कीमिया की बात कर रही हूँ। क्रॉनिक इस्कीमिया में क्या होगा, क्रॉनिक इस्कीमिया में आपको ऊपर वाला एरिया बिल्कुल इन्फार्क्शन नज़र आएगा,
और नीचे वाले एरिया में आपको फाइब्रोसिस मिलेगा, स्कारिंग मिलेगी, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया की भी स्कारिंग हुई हुई होगी, सिर्फ इस क्रिप्ट की नहीं बल्कि नीचे लेमिना प्रोप्रिया और ये सारा स्कार हुआ होता है। कभी कभार स्ट्रक्चर्स यानी कि दो आपस में जुड़ भी जाते हैं। उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जब ये इन्फेक्शन होता है ना तो उसके ऊपर सुपर सीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जब सुपर सीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इट हैपन्स कि वो बैक्टीरिया ऊपर एक पूरी मेम्ब्रेन बना देते हैं, मेम्ब्रेन की कोटिंग बन जाती है, एंड दैट कोटिंग ऑफ द मेम्ब्रेन जो है बेसिकली हमारे पास इज रिजेंबलिंग क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, हालांकि वो होता नहीं और हमने फिर उसको रूल आउट करना होता है कि आइदर इट इज़ और इट इज़ नॉट, क्योंकि फिर हम उस मेम्ब्रेन की करेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चल जाता है। देन आखिर में जिसकी बात आएगी वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स अगर एक जनरल इन्फेक्शन की हम बात करें तो ज़्यादातर ना ये ओल्ड एज लोगों को जिनको कोई ना कोई कार्डिक इशू या कोई ऐसा इशू चल रहा होता है जिसमें इस्कीमिया का चांस ज़्यादा होगा। सपोज किसी को कोई कार्डिक इशू है जिसमें वैसी ब्लड सप्लाई सही नहीं है, या फिर किसी को कोई एग्लेटिव इशू है बॉडी में जहाँ पर क्लॉट्स बने हुए, कोई थ्रोम्बोसिस है, तो तब उन लोगों में ना ये चीज़ ज़्यादा होती है। नॉर्मल एज में इस्कीमिया इतना ज़्यादा नहीं होता, और अगर हो भी तो इतना सवेयर नहीं होता, लेकिन जब होगा तो अब प्रेजेंट किस तरह करेगा, सडन एब्डोमिनल पेन हो जाएगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा, उसके अलावा टेंडर हो जाएगा एब्डोमिन, और इतना टेंडर होता है, दर्द इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको ऊपर से मसल्स की गार्डिंग हो जाती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपनी मेडिसिन या किसी चीज़ में कि जब आपको नीचे से पेन ज़्यादा होती है तो ऊपर के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, वो गार्ड कर लेते हैं नीचे एरिया को। दैट फिनोमिना इज़ नोन एज गार्डिंग फिनोमिना। और जो गार्डिंग का फिनोमिना होता है ये इसलिए होता है ताकि आपको पेन थोड़ी कम हो, क्योंकि आप किसी जगह पर जब प्रेशर डालते हैं ना तो पेन रिड्यूस हो जाती है, तो आपको बहुत स्टिफ गार्ड एब्डोमेन मिलेगा और साथ पेशेंट को वॉमिटिंग और ब्लडी डायरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि जब ये इमरजेंसी हो के अंदर हेमरेज भी साथ चल रहा हो, मतलब अगर इस्कीमिया इस वजह से हुआ है कि कोई वेसल मेजर वेसल सपोज सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल जो है वो फट गई है ड्यू टू एनी रीज़न, तो अब जाहिर सी बात है कि जो जहाँ वो सप्लाई करी थी उस एरिया का इस्कीमिया हो जाएगा और पीछे आपके पूरा एब्डोमेन जो वो ब्लड से भर रहा होगा, तो तब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। फिर ये देखा है उनने कि हमारे पास जो ये इस्कीमिया के पैटर्न्स हैं ये डिफर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। अगर आपका म्यूकोजल या म्यूरल इन्फेक्शन है, यानी अगर खाली आपका म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, इसमें आपका खाली म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है और इसमें आपका म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपका सिर्फ ये वाले होंगे तो इनको तो ये तो इतने फेटल नहीं होते कि इसमें आपका मस्कुलरिस लेयर फिर भी बची हुई होती है, लेकिन जाहिर है इसमें काफ़ी मसला हो चुका है, तो ये मसला ट्रांसम्यूरल भी बन सकता है, आपकी मस्कुलरिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, इस वजह से हमें इसको जल्दी ट्रीट करना होता है। क्रॉनिक इस्कीमिया का जो है ना पेशेंट वो हमेशा मैनिफेस्ट करता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वाला मैनिफेस्ट करता है, लाइक उसको कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी साथ ब्लीडिंग होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि क्रॉनिक है ना, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, तो इस किस्म की उसकी हिस्ट्री होती है। फिर हमारे पास साइटोमेगालो वायरस, आपका वायरल इन्फेक्शन उन लोगों में हो सकते हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि एड्स का कोई पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जो किसी कैंसर की वजह से कोई या किसी ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खा रहा है, उसमें साइटोमेगालो वायरस हो सकता है इन्फेक्शन, और वो भी आपका इसी तरह मैनिफेस्ट करेगा जिस तरह एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं। फिर रेडिएशन एंड टेरोकोलाइटिस, रेडिएशन से मराते हैं कि पेशेंट को किसी भी वजह से अगर आपको एब्डोमिनल एरिया में रेडिएशन मिली हुई है एक्सरेज या किसी भी किस्म की, तो उसमें ना सिर्फ आपका एपिथीलियम ऑफ द म्यूकोजा डैमेज हो सकते हैं बल्कि आपका अंदर से वेसल्स डैमेज हो सकते हैं और इस्कीमिया हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आपने याद रखनी कि इसकी कॉज हमें बहुत सही पता नहीं है, लेकिन इसको देखा ये गया कि ऑटो इम्यून नेचर हो सकती है इसकी, और इसका जो एसोसिएशन है वो ये है कि ये बच्चों में बहुत कॉमन होती है। बच्चों में अगर आपको इमरजेंसी में एब्डोमिनल पेन और इसकी हेमाटेमेसिस यानी कि वॉमिटिंग के साथ बच्चे आते हैं तो आप उसमें लाजमी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस सोचते हो, बिकॉज बच्चों में ये कॉमनली जब वो दूध पीना शुरू करते हैं ना, और खासतौर पर ऐसे बच्चे जो कि प्री मेच्योर होते हैं उनमें एकदम से ये उनका एब्डोमेन जो है वो उसमें इस्कीमिया डेवलप होता है, ऑटो इम्यून नेचर का अपने ही बॉडी के सेल्स अपने ही ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाते हैं और ये एंटेरोकोलाइटिस डेवलप हो जाता है, तो इस वजह से उसको हमने लाजमी देखना होता है। एंजियोडिस्प्लेजिया है कि वो लोग जिनकी वेसल्स शुरू से ही ठीक नहीं बनी थी, कौन सी वेसल्स जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को सप्लाई करती थी सारी ज़िंदगी, तो आपको पता है कि जब बच्चा चलो छोटा होता है तब से चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं, मतलब बढ़ना शुरू से मुराद है बढ़ना शुरू होंगी, अच्छा है जवानी गुजरगी, जो एडल्ट एज थी वो अच्छी गुजरगी, लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हुई कि जब बुढ़ापा आया और चीज़ों में डीजेनरेशन शुरू हुई, तो तब हमारे पास ही म्यूकोजा सब म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स जो ठीक नहीं बनी हुई थी वो अब उनने देखा कि अब तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि डीजेनरेटिव चेंजेस जब ओल्ड एज में आते हैं तो उसके साथ साथ आपकी जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो तो फिर बहुत खराबी की तरफ चली जाती हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि इन जगहों पे वी विल गेट सवेयर किस्म का इस्कीमिक चेंजेस, और उसको हम कहते हैं एनजीओ डिस्प्लेजिया, कि एनजीओ यानी ब्लड वेसल्स पहले से ही ठीक नहीं बनी हुई थी, ठीक है। तो ये होते हैं इसके कुछ मैनिफेस्टेशन के कॉजेज, और अब आपने करना है अगला हेमराइड्स का टॉपिक जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगी। अभी तक कोई मसला हुआ एक नाज, थैंक यू।